हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योगिता द एक्सप्लोरर एंड आई एम योगिता। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस, कल वाले व्लॉग की शायद मैंने एंडिंग नहीं करी है क्योंकि मैं भूल गई थी, बहुत ज़्यादा भी थक गए थे तो इसलिए हम लोग सीधे रेस्ट करने के लिए निकल गए थे। तो अभी अर्ली मॉर्निंग तो खैर क्या, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ को। और आज मेरी हेयर स्टाइल जो है पूजू दी ने बनाई है, और नॉर्मल मैंने अपना ब्लैक कलर का अटायर लिया, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। वैसे आपको दिख जाएगा आउटफिट ऑफ द डे आज मेरा। और साथ ही साथ अभी हम लोग जा रहे हैं, जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी कि मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी है वहाँ से, तो वो मैं आपको आज सब दिखाने वाली हूँ। हो सकता है कि ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बट आपको व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग अपनी बातें बताने वाली, जो मेरी बाद में बताऊंगी वो सारी चीज़ें। तो फिलहाल अभी हम निकलते हैं, और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग निकलते हैं, और यहाँ का व्यू भी मैं आपको सुबह नहीं दिखा पाई क्योंकि हम लोग इतनी हप्पड़ तप्पड़ में तैयार हुए ना बहुत ज़्यादा कल रात को भी। एक्चुअली हम लोग लेट ही सोए थे, कोशिश करी थी कि जल्दी सो जाएं बट नहीं सो पाई जल्दी। ये है पूजू दी, आज की मेरी हेयर स्टाइलिस्ट, ये भी मम्मा के बाल बना रही है। और मम्मा आप भी हाय बोल दो। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और अभी बाकी लोग जो है सामान वगैरह एडजस्ट करने में लगे पड़े हैं, तो मैंने सोचा मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। अभी मिलाती हूँ सबसे। नीरू हेलो, गुड मॉर्निंग, जय गंगे मैया। वो प्रियांशु हेलो, और कुन्नू गया अभी थोड़ा दूर पे, उससे बाद में मिलाऊंगी। अभी हम निकलते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस, मेरे कैमरामैन को छीन लिया गया है और मेरी दिया रील बना रही है। ब्लूपर अलर्ट। पहले आप लोग यहाँ पे का एक बार व्यू देखो, जहाँ हम रुके थे उससे जस्ट सामने का व्यू है जहाँ पे गंगा मैया है। इतने प्यारा व्यू है यहाँ पे से। और हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है एप्पल का। और हम लोग अब ऋषिकेश से निकल रहे हैं। सबसे पहले मेमोरी है मेरी, स्टार्ट यहीं से होती है जर्नी। सबसे पहले आता है ये मंदिर जो कि है भद्रकाली माता रानी का। तो अभी पहले मैं इसके दर्शन कर लेती हूँ, उसके बाद आपको रास्ते भर जो अपनी मेमोरीज मैं बताती रहूँगी इसी तरीके से। सो गाइस, उस मंदिर के बाद जो हमारी मेमोरी है वो है इस होटल से। अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो गया, मतलब काफ़ी इम्प्रूव हो गया ये। इससे पहले यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था,
सिटिंग एरिया भी उतना प्रॉपर नहीं था, इसमें सिर्फ एक शॉप थी इधर साइड में और इससे पीछे वाली साइड में दो चार चेयर्स के साथ ही था अरेंजमेंट। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, जब भी ऋषिकेश से ऊपर को आते थे तो हमेशा हमारा ब्रेकफास्ट यहीं पर होता था, नॉर्मली बन अंडा और बन मक्खन बस यही यहाँ पर मिलता था और छोटी मोटी मैगी थी यहाँ पर और दो चार थोड़ा कोल्ड ड्रिंक मिल जाएंगे आपको, तो वो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। बट अभी देखो यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पर इतना अच्छा अरेंजमेंट बना दिया बैठने का भी, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मुझे पता नहीं एक्चुअल में क्या बनाया है इसमें, पता नहीं क्या। और अभी आप अभी आकर सिटिंग अरेंजमेंट देखो कितना चेंज हो गया, हाँ वही मैं बोलूं वाले भैया नहीं दिख रहे हैं। चंबा अब तो काफी बदलाव हो गया, वो लोग अभी कुछ नहीं खाएंगे शायद। सो गाइस वो भैया यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ पे दूसरे भैया आ गए, उनका होटल है अभी। आप लोग नाश्ता करोगे? यहाँ पर बन अंडा और मैगी वगैरह मिलता है, कोई कुछ खाएगा? पूजू दी तू आओ, पूजा दी फिर से हो गया कांड। अरे सोचे कि ज्यादा होगा, आपने इसमें क्या बनाया है? ये ऐसी है, चूल्हे में बनाते हैं खाना, बड्डू की दाल बनाते हैं। अच्छा अच्छा, चूल्हे से चलता है। हाँ। अभी इसमें कुछ है? अभी दो ढाई महीने में ना आए हुए। अच्छा, आप कब से चला रहे हो? दो ढाई महीने। डिवाइन रिसोर्ट वालों की जमीन है नीचे का फोन, जो डिवाइन रिसोर्ट है नीचे का तो इतना यहाँ, मैं तो पीछे का याद है मुझे। दाल क्या होती है? बड्डू की दाल हमारे घर में भी है, एक छोटा ना पीतल का है, या मैं पूरी पुरानी चीजें जितनी होती है। अरे अम्मा का है यार दहेज में, इससे थोड़ा सा 1900 होगा, इससे बस हो गया। पानी इसी में बनाते हैं ना खाना, वो पीछे चूल्हा मारा ना उधर। ऐसे ऐसे बनाना बोला, वैसे बनाया मैंने। अरे अच्छा होता हो, मैंने सोनू मम्मी को भी दिया कटोरी, चम्मच से तो डाल ही सकते। अब ना हम लोग नेक्स्ट लोकेशन में जा रहे हैं, बोला भी नहीं जा रहा, सब अलग हो रहा है। और हमने ये लिया है सॉल्टेड पॉपकॉर्न, और इसने ये लिया है माउंटेन ड्यू, और अब हम जा रहे हैं। बाय बाय।
खुशी मिल गई आपको, खुशी मिल गई आपको, फाइनली आपको आपका मनपसंद खाना मिल गया है। गाइस जो मैंने नेक्स्ट लोकेशन दिखाई थी आपको इससे पहले वाली, उसके बाद यहाँ पर ये होटल है संगम रेस्टोरेंट करके। यहाँ पर हम लोग, मैं तो नहीं खाती थी स्पेशली, बट कुन्नू और नीरू जब मुझे छोड़ने के लिए आते थे, मतलब जब वो मेरे साथ आते थे इस रास्ते से, तो यहाँ पर हमेशा वो लोग जो है अपना चिकन और मछली वगैरह खाते थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है और बहुत ज़्यादा यम भी होता है, और एकदम आपको घर वाला जो पहाड़ी स्वाद होता है ना, वही आपको यहाँ पे खाने के लिए मिलेगा। इसलिए नीरू तब से वेट कर रहे हैं कि ऋषिकेश से हम कब यहाँ पहुँचे और यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे। अब आई डोंट नो कि वहाँ पर चिकन है कि नहीं, क्योंकि भैया बोल रहा है कि ख़त्म हो चुका है, अभी देखते हैं। चिकन नहीं है, मटन है लेकिन बन रहा है, और मछली भी नहीं है। बनने का शौक है तो हाथ डालो, थोड़ा मटन है अभी भी, मटन बन रहा है अभी, है नहीं बन रहा है अभी, टाइम लगेगा फिर अब उसमें। देखो देखो इसमें कैमरे में कैसा लग रहा है और सामने पे कैसा लग रहा है। गैस किस्मत खराब थी नीरू लोगों की, जो उन्हें यहाँ पे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला, क्योंकि अभी कुछ भी रेडी नहीं है। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस, पता नहीं कहाँ जाएंगे, खाना तो खाना पड़ेगा वरना भूख लग जाएगी बेचारे बच्चों को, लगी भूख इसलिए बोलते हैं खा लेना चाहिए। हाँ चलाओ, अब हम लोग वापस वही जा रहे हैं जहाँ हमने पहले अभी मैगी वगैरह खाई थी। कैसे लग रहे हैं? मुझे तो चल गया, आते हो क्या? गाइस दोबारा से उसी लोकेशन में आ गए हैं कुछ खाने की तलाश में। नीरू और कुन्नू लोगों ने भी अच्छे से खाना नहीं खाया, इसलिए हाथ से भी मांग रहे हैं। हाथ भी और बची है जहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग जो है उस लोकेशन में पहुँच गए हैं। मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन दिखाती हूँ उसकी, और फिर मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। इसके आगे का व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तब तक आप लोग एक बार लोकेशन देखिए।